रोल। नागपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की पत्र परिषद हुई, जिनके सर्वे सर्वा डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, आज की जो पत्र परिषद थी वो चुनाव के पार्श्वभूमि पर हुए, लोकसभा चुनाव लागू हो गए हैं, ऐसे में क्या लगता है, जो प्रवीण तोगड़िया कल तक बीजेपी से नाराज चल रहे थे, कहीं कहीं नाराजगी थी, आज एकदम से? नहीं, मेरी किसी के ना नाराजगी थी, राजी थी। मैं तो हिंदुत्व की बात उठाता रहा, राम मंदिर बनाओ, धारा 370 हटाओ, सीए लागू करो, काशी मथुरा के मंदिर बनाओ, या आवाज़ उठाता रहा। तो कभी किसको लगा होगा नाराज़गी है, तो ठीक नहीं थी। और जब धारा 370 हट गई, हमने स्वागत भी किया था, इसलिए हम न किसी से राजी है न किसी से नाराज़गे हैं। हम तो हिंदू हितों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। काशी मथुरा भी बाकी है, जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन छेड़ा गया था, क्या उस तरह से आंदोलन क्या इसके लिए छेड़ा जाएगा, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि काशी मथुरा के लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे ही लोग दोस्त सत्ता में हैं, तो पोहा तेरी खाते खाते काशी मथुरा का निर्णय भी करवा लेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? हम हिंदुओं को कहेंगे कि मतदान करो, और अच्छा मतदान करके भारत में अपनी इच्छा की सरकार बनाओ। हनुमान चालीसा पठन पर भी जोर दिया गया आपने पत्र परिषद के दौरान, किस तरह का रहेगा? हम हर गांव और शहर की गली में हनुमान चालीसा केंद्र शुरू किया है, 13,000 जगह पर किया है, और हनुमान चालीसा केंद्र वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य की चिंता करने का काम भी कर रहा है। 2024 के इलेक्शन के बाद की तस्वीर किस तरह से देखता है आपका संगठन? बस हिंदुओं का जय जयकार हो रहा है, होता रहेगा। देश का भविष्य उज्ज्वल है, सुंदर है। कहते प्रवीण जी तोगड़े जो हमसे रूबरू हो रहे थे, खासतौर पर लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही थी, और उन्होंने जो बात कही अपने आप में काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।